देखा प्लीज रेस्पॉन्ड, क्या देखा हम लास्ट क्लास में? स्टोरी या स्टोरी राइटिंग या कथा लेखन। कथा लेखन या कहानी लेखन राइट, एक सूचना या घटनाएं या आधार बिंदु के, वो बिंदु के आधार पर एक कहानी लिखना। किसके बारे में लिखा हम लास्ट क्लास में कहानी? दो मित्रों, दो मित्रों के बीच, या दो मित्रों के बारे में। देन वो मित्रों को नाम दिया, देन कहानी को हेडिंग दिया इस प्रकार। तो बताओ बच्चों, हमने क्या क्या देखा? हमने हमारा क्या है रिटर्न पार्ट में हमने क्या क्या देखा टोटल? यस बताओ क्या क्या देखा हमने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग दिस। हमारा रिटर्न पार्ट या हमारा लेखन भाग में हमने क्या क्या देखा, क्या क्या देखा हमने, क्या क्या पढ़ा हमने? अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन क्या है आदित्य इसका अंग्रेजी? पैराग्राफ राइटिंग, वेरी गुड। देन हमने क्या क्या देखा बच्चों? आदित्य ने बताया अनुच्छेद लेखन हमने पढ़ाया। कितना मार्क के लिए? कितना मार्क्स? सिक्स, सिक्स मार्क। ओके सिक्स मार्क के लिए। देन सेकेंड वन रेस्पॉन्ड माय डियर्स, सेकेंड वन पत्र लेखन। पत्र लेखन, पत्र लेखन कितना पत्र लेखन? दो, वन इज औपचारिक एंड सेकेंड वन इज अनौपचारिक। अनौपचारिक पत्र या इनफॉर्मल लेटर अपने मित्रों के लिए या अपना क्या है कोई बंधु मित्रादियों के लिए। देन फॉर्मल लेटर या औपचारिक पत्र किसके लिए हमने पढ़ा? किसका फॉर्मल लेटर? वो प्रारूप हमने देखा, फॉर्मेट, प्राचार्य या प्रिंसिपल राइट, वो भी देखना चाहिए। ओके सबसे पहला अनुच्छेद लेखन, देन पत्र लेखन फॉर फाइव मार्क्स, औपचारिक पत्र एंड अनौपचारिक पत्र। व्हिच इज द थर्ड वन? विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन या एडवर्टाइजमेंट, वेरी इजी। विज्ञापन लेखन एंड एडवर्टाइजमेंट और एडवर्टाइजमेंट वो क्या है फाइव मार्क्स के लिए। देन फोर्थ वन, फोर्थ वन विज्ञापन लेखन के बाद हमने देखा क्या है? अंग्रेजी में हम इसे कॉन्वर्सेशन राइटिंग कहते हैं, हिंदी में, हिंदी में संवाद लेखन। संवाद लेखन, यस दोरी, संवाद लेखन, हिंदी में संवाद लेखन। द लास्ट क्लास में हमने देखा कथा लेखन, स्टोरी राइटिंग। ओके तो क्या क्या हमने देखा? अनुच्छेद लेखन फॉर सिक्स मार्क्स, देन पत्र लेखन फॉर फाइव मार्क्स, विज्ञापन लेखन फाइव मार्क्स, संवाद लेखन फाइव मार्क्स, कथा लेखन ऑल्सो फाइव। देन वन मोर द लास्ट वन, हमारा रिटर्न पार्ट या हमारा लेखन भाग में लास्ट क्वेश्चन है। ओके सॉरी हु इज दिस अमल फयाज, विच क्लास यू आर? ओके देखिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सूचना लेखन। क्या है? रिपीट, सूचना लेखन। सूचना, प्लीज रेस्पॉन्ड माय डियर्स, क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? सूचना लेखन। क्या होगा इसका अंग्रेजी वर्ड? नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग, वेरी गुड सर, नोटिस। तो हमारा कहानी लेखन की समय, हमारा कथा लेखन की समय, हमारा अनुच्छेद लेखन की समय, ये सबसे बड़ा ये बहुत सारे थिंग्स नहीं लिखना चाहते। सूचना या नोटिस में तो ओनली थ्री और फोर लाइन्स इन, मैक्सिमम फाइव। ओके देखिए वो सूचना लेखन अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? प्लीज रिपीट, सूचना लेखन माने नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग, यस। ये सूचना लेखन के लिए कुछ विधि है, रीति है, किस प्रकार लिखना चाहिए, इस प्रकार कुछ रीति है वो देखना चाहिए। सबसे पहले क्या है सूचना लेखन? किसी भी, एक्चुअली सूचना लेखन का डेफिनेशन क्या है ये सब नहीं बेहद करना चाहिए। ओके सिंपली आपके मन में रखिए क्या है सूचना लेखन, ओनली दैट। किसी भी विषय पर
किसी व्यक्ति, संस्था, कार्यालय और समाज विशेष को सूचित करना सूचना लेकर कहलाता है। सिंपल सेंस में कहा जाता है तो कहा तो क्या है, हम एक इंफॉर्मेशन देता है, एक सूचना, कि न्यू इंफॉर्मेशन, राइट। हमारे स्कूल में बहुत सारे सूचना है, राइट, नोटिस हमारा हर एक क्लास में नोटिस आ जाता है, राइट, प्यून द्वारा, चीची द्वारा, राइट। तो इस प्रकार नोटिस किसी एक न्यू इंफॉर्मेशन देने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, सूचना लेखन। ओके, देन सूचना लेखन का की क्या विधि है, क्या रीति है, कैसे लिखना चाहिए एक सूचना, वो है कुछ पॉइंट्स है बच्चों, वो देखना चाहिए। प्रज्योत में भी यह कनेक्टिविटी शुरू करा। ओके, देखिए सूचना लेखन की विधि आपके मन में रहेगी, आई विल आस्क दिस। ओके, सूचना लेखन में सर्वप्रथम विभाग का नाम लिखा जाता है बच्चों। विभाग मीन्स द इंस्टीट्यूशन या संस्था का नाम। फॉर एग्जाम्पल अवर स्कूल का नोटिस है, और स्कूल का नोटिस डॉक्टर राजू देव सिंह नेशनल स्कूल का नोटिस है, तो हेडिंग क्या होना चाहिए, स्कूल का नाम, राइट जरल, क्या होना चाहिए हेडिंग, हमारा स्कूल का नाम। ओके, सो सर्वप्रथम या फर्स्ट ऑफ ऑल विभाग का नाम, विभाग मीन्स क्या है वो डिपार्टमेंट, क्या है वो ऑफिस है, संस्था है, कोई व्यक्ति है, ओके, वो इसका नाम होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, शीर्ष के नीचे, हेडिंग के नीचे सूचना इस प्रकार लिखना चाहिए, दैट वर्ड सूचना, वर्ड यू राइट प्रकार लिखना चाहिए, सूचना, सूचना वर्ड लिखना चाहिए। देन द थर्ड पॉइंट, सूचना में किसी प्रकार का संबोधन नहीं होता। क्या है संबोधन, संबोधन माने क्या है, क्या है संबोधन एंजेलियो, संबोधन माने गस, एनी गस, संबोधन करना, एनीवन, संबोधन माने संबोधन, ओके आई विल सेव एन एग्जांपल, पत्र लेखन में संबोधन है, प्रिय महोदय, महोदय, प्रिय दोस्त, तो क्या है वो संबोधन, सैल्यूटेशन, यस यस करेक्ट, प्लीज रिपीट, सैल्यूटेशन, यस सैल्यूटेशन, वो है संबोधन। तो हमारे सूचना में किसी प्रकार का संबोधन नहीं हो, हमारा नोटिस राइटिंग में किसी प्रकार का संबोधन की आवश्यकता नहीं। देन द फोर्थ पॉइंट, सूचना समाप्त होने पर नीचे बाई ओर, क्या है वो सूचना, नोटिस फिनिश होने के बाद नाम, हस्ताक्षर, दिनांक एंड वन मोर इज देयर पदनाम आल्सो, आई विल शो वन एग्जांपल, ओके, वो लिखना चाहिए। देन सूचना सीमित शब्दों में लिखना चाहिए। क्या है सीमित शब्द, लिमिटेड वर्ड। फिफ्थ पॉइंट इज सूचना सीमित शब्दों में या लिमिटेड वर्ड्स में लिखना चाहिए। यह हमारा अनुच्छेद लेखन के समान बिग या क्या कोई एक्सपेंडेशन एक्सपेंड नहीं करना चाहिए, एक्सप्लेनेशन एंड नो नीड, सीमित शब्दों में लिखना चाहिए, वो है सूचना। तो क्या क्या है एक बार देखिए, सूचना लेखन में सबसे पहले वो इंस्टीट्यूशन, वो संस्था, वो कार्यालय का हेडिंग होना चाहिए। देन द सेकेंड वन सूचना इस प्रकार लिखना चाहिए। देन राइट द मैटर, देन फिनिश होने के बाद लेफ्ट साइड में हु इज राइटिंग, डेसिग्नेशन, देन हस्ताक्षर, डेट, एवरीथिंग होना चाहिए। ओके, विल शो वन एग्जांपल, देन क्लास सूचना सीमित शब्दों में लिखना चाहिए। वन मोर टाइम बताइए बच्चों, क्या क्या है सूचना माने क्या है, सिंपल सेंटेंस में कहे तो क्या है सूचना, हम एक न्यू इंफॉर्मेशन देते हैं, राइट, वो है सूचना। सूचना लेखन की क्या विधि है, फर्स्ट पॉइंट,
विभाग का नाम। हाँ, विभाग का नाम या संस्था या कार्यालय का नाम लिखना चाहिए। यदि हमारा स्कूल का नोटिस है तो हमारे स्कूल का नाम लिखना चाहिए। तो व्हाट इज द सेकंड पॉइंट, इट इज द सेकंड वन। शीर्षक के नीचे सूचना शब्द। हाँ यस, वो हेडिंग के बाद, शीर्षक के बाद सूचना इस प्रकार लिखना चाहिए। देन थर्ड पॉइंट, संबोधन नहीं। हाँ, कोई किसी प्रकार का संबोधन नहीं चाहिए। महोदय जी, आचार्य जी, या प्रिय दोस्त, प्रिय सहेली, इस प्रकार कोई संबोधन की आवश्यकता नहीं। देन फोर्थ पॉइंट, सूचना समाप्त होने के बाद क्या क्या लिखना चाहिए? नाम, पदनाम, हस्ताक्षर, दिनांक। देन व्हिच इज द फिफ्थ पॉइंट, द लास्ट वन, द इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्या है? सीमित शब्दों। हाँ, सीमित शब्दों में या लिमिटेड या सिंपल वर्ड्स में मैक्सिमम 5 लाइंस है ना हमारा सूचना ले, इस प्रकार लिखना चाहिए। बच्चों, आई विल शो एन एग्जांपल, सूचना लेखन का एक एग्जांपल है। बच्चों, आपका पेपर में नोट करना चाहिए, ओके? आपका रफ बुक में, आपका नोट में कॉपी करना चाहिए, दिस नोट कॉपी करना चाहिए, प्लीज राइट द क्वेश्चन। आप पीडब्ल्यू डी कार्यालय में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, इस हेतु एक सूचना लिखिए। द क्वेश्चन इज, आप पीडब्ल्यू डी वो ऑफिस का एक सचिव है, एक सेक्रेटरी और समथिंग, वहां का एक पर्सन है, तो वह हम हिंदी दिवस, हिंदी डे मनाया जा रहा है, तो इसके संबंध में एक नोटिस लिखना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले व्हाट इज द हेडिंग, विभाग का नाम, क्या है विभाग का नाम? पीडब्ल्यूडी विभाग। देन हिंदी दिवस के बारे में है, तो हिंदी दिवस। देन सूचना, देन द मैटर, आप सबको सूचित किया जाता है कि डेट, राइट वन डेट, किस दिन में है वो प्रोग्राम। 10 नवंबर 2020 को हमारे कार्यालय में हिंदी दिवस मनाने का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि अधिक से अधिक कर्मचारी इस कार्यक्रम का आनंद ले, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। Then the important thing, left side में down नाम, who is writing, पदनाम, designation, व्यक्ति का designation, signature, a class, दिनांक। One important thing बच्चों, दिनांक इस प्रकार लिखना चाहिए, then here you can write the date। क्या क्या है? सबसे पहले one heading, यदि हमारे स्कूल के संबंध में है वो नोटिस, एंड डेट वेयर वी वांट टू राइट, आ डेट हियर डाउन, डेट, डेट, दिनांक इस प्रकार लिखिए, देन राइट द डेट। आई फॉरगॉट टू राइट, सो वन हेडिंग होना चाहिए, देन सूचना इस प्रकार लिखना चाहिए, देन राइट द मैटर, हु इज राइटिंग, द पर्सन का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर, एवरीथिंग। मैम to write, we have to draw the line box. Ah yes, box. Box is compulsory. Sujana leg. Okay. Then, for example, Dr. Raji Davidson General School ka one notice ka format I will tell. First, ye hamara school ka naam. Then Sujana. Then write the matter. Then who is writing naam? The person ka naam. हमारे स्कूल में चेयरमैन है तो चेयरमैन का नाम, देन पदनाम, चेयरमैन, उनका हस्ताक्षर, देन डेट। ये है फॉर्मेट सूचना लेखन। पक्का हमारा ये सूचना लेखन कॉपी करना चाहिए। देन सूचना लेखन क्या है, इसकी आवश्यकता नहीं है। देन वन फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए।
What is hashtag? Yes. What is hashtag? Signature, signature. Signature. The person ka signature. Ma'am, what do you mean by hashtag? Signature. 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 Okay, ma'am. Naam means name. Padanam, designation. English mein likhiye. Bracket. Bracket you can write in English. Naam, okay, name. Padanam, designation. That vyakti ka designation. Hastaksha, signature. Dinank, date. This is a format. Then the matter, maximum violence in them. Box ke andar likhna chahiye, okay? Box, one box is compulsory. Only 16 kadalegan I got, okay? Others please send today. Ma'am, what is Padina? Designation. Please copy it, okay, Isha? Copy, copy karna chahiye. I'm in the notebook. A notebook or a book anywhere? Aapke paas hona chahiye this paper. Okay. Notice writing ka ek model hai.
रिफा दिस वेरी इजी. ये नोटिस किसके बारे में है? हिंदी दिवस, हिंदी दिवस सेलिब्रेट करने के बारे में. सो दिस डेट 10 नवंबर 2020 हमारा ऑफिस में हिंदी डे सेलिब्रेट करने के लिए जा रहा है. तो इसके लिए जस्ट इनविटेशन. ओके, आपसे अनुरोध है कि अधिक से अधिक कर्मचारी, मीन्स क्या है, वहां के वर्कर्स इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहिए. ओनली दैट सिंपल. सूचना लेखन लिखते समय मैक्सिमम फाइलेंस है ना आपका हैंड राइटिंग. यस, फर्स्ट लाइन इज द सेम यू कैन राइट एवरी वर्ड. आप सबको सूचित किया जाता है कि द फर्स्ट सेंटेंस ना दैट यू कैन राइट. आप सबको सूचित किया जाता है कि दिस डेट में हमारा ऑफिस में हिंदी डे सेलिब्रेट करने के लिए जा रहा. We are celebrating this event. Then we are inviting you. Then is Pragar Bhagwan. So here, then write the name, designation, then hastaksha means signature, and the last date. Ma'am, what is the meaning of her hastaksha? Signature. Signature. Our bachon copy. Ma'am, naam we should write our name or we should write Who is writing the person ka name? Means, for example, in our exam, in our school name, for example, hamara Raju sir is writing. This office. Or office assistant is writing. Or somewhere, the person ka naam likhna chahi. Who is writing? Who is the person? Sujana, who is giving? Okay, the person ka naam. If the notice is a notice by VP है तो VP के VP का notice है तो या vice principal का notice है तो the vice principal का नाम लिखना चाहिए वहाँ. नाम के वहाँ vice principal का नाम लिखना चाहिए. Then designation you can write vice principal. Then उनका हस्ताक्षर दें. ओके बच्चों, नो डेसिग्नेशन मीन्स ना, डेसिग्नेशन मीन्स हु इज राइटिंग द पर्सन का डेसिग्नेशन. आई मीन क्या है, वाइस प्रिंसिपल, चेयरमैन, टीचर, लाइक दैट्स डेसिग्नेशन. ओके, अच्छी तरह रीड करो बच्चों. आई विल गिव वन सैम वन क्वेश्चन. आई विल गिव मैम प्राचार्य मींस, प्राचार्य मींस हमारा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल. दिस इज अ क्वेश्चन. आपके स्कूल में एक नए कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति हुई है, उसका नाम परिचय देते हुए प्राचार्य की ओर से एक सूचना लिखी. आपका स्कूल में एक न्यू कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति माना अपॉइंटमेंट हुई है, उसका नाम क्या है, वो इंट्रोड्यूस करते हुए प्राचार्य की ओर से एक सूचना लिखे. प्लीज ट्राई करो बच्चों, कैसे लिखना चाहिए. सबसे पहले क्या लिखना चाहिए? स्कूल का नाम. हमारे स्कूल का नाम नहीं लिखना चाहिए, एबीसी स्कूल समथिंग यू राइट. ओके, देन क्या लिखना चाहिए? सेकेंड वन, कोई प्रोग्राम है तो हिंदी दिवस, क्या है, क्रिसमस डे सेलिब्रेशन, इस प्रकार भी के अंदर. देन इस नोटिस में वो इसकी जरूरत नहीं है. सबसे पहले हेडिंग लिखना चाहिए, आफ्टर दैट सूचना, इस प्रकार लिखिए प्लीज. देखिए सबसे पहले हेडिंग, देन सूचना. हेडिंग में मैंने नोट किया है ना सूचना. देन राइट द मैटर, क्या है वो व्यक्ति का नाम. राइट वन नेम, हमारे स्कूल में एक नए कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति हुई है, उसका नाम यह है इस प्रकार. ओके, देन हु इज राइटिंग, नाम, प्रिंसिपल का नाम.
पदनाम प्रिंसिपल प्राचार्य देन उनका हस्ताक्षर डेट इज अ क्वेश्चन Ma'am, we should underline the heading. No need. No need, Badra. Box ke andar likhna chahiye. Okay, that's very important. Box ke andar likhna chahiye. Better do one thing. Better. लिखने के बाद ड्रॉ वन बॉक्स सबसे पहले बॉक्स नहीं ड्रॉ करना चाहिए मैम नियुक्त मीन्स अपॉइंटमेंट appointed rifa appointed suchana is very simple abc in hindi abc school aapka school ka naam abc स्कूल इस प्रकार आप लिख रहे तो क्या है वो हिंदी में लिखना चाहिए इंग्लिश में नहीं लिखे हिंदी में ए बी सी स्कूल देन प्लेस का नाम इफ यू वांट मैम वी कैन राइट दैट फर्स्ट वी विल राइट लाइक देयर इज अ न्यू अपॉइंटमेंट एंड देन इसका नाम ओनली दैट मच इज नीडेड देन इफ यू वांट यू कैन राइट टू मोर लाइंस इफ यू नीड एनी हेल्प यू कैन कॉन्टेक्ट like that you can write your wish computer se sambandhit ya aapko koi help chahiye to hamara ye new operator se contact kare is prakar कथा लेखन आई डिडंट गेट फुल ओनली 16 आई गॉट ओके वेरी इंपॉर्टेंट है कथा लेखन एंड ऑल बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन
कथा लेकिन ना कथा लेकिन मैं स्टोरी राइट स्टोरी राइट means हमको कुछ hints some hints you will get तो hints के आधार पर कहानी लिखना चाहिए कथा लेख स्टोरी स्मॉल स्टोरी राइट मैम हाँ the नाइए कंप्यूटर ऑपरेटर वी डोंट हैव द नेम सो वी कैन मेक नो नो आ नेम आप लिखना चाहिए उसका नाम परिचय देते हैं क्वेश्चन उसका नाम यू कैन राइट एनी नेम उसका नाम परिचय देते हुए प्राचार्य प्राचार्य की ओर से मैम हियर प्राचार्य का नाम इज आल्सो नॉट देयर नो आज प्राचार्य ओर से क्या राइट प्राचार्य मींस क्या है आफ्टर फिनिशिंग द क्या है नोटिस नोटिस के बाद नाम वहां प्राचार्य का एनी नेम यू राइट देन डेसिग्नेशन प्राचार्य सिग्नेचर हमारा लेखन पार्ट ओवर ओके हमारा लेखन पार्ट इज ओवर अनुच्छेद लेखन कहानी लेखन या कथा लेखन पत्र लेखन औपचारिक अनौपचारिक देन विज्ञापन लेखन संवाद लेखन नाउ द लास्ट वन इज सूचना लेखन अनुच्छेद लेखन कैरीज 6 मार्क्स बाकी ऑल 5 मार्क्स क्वेश्चन डू वन थिंग आप फिनिश किया तो मुझे सेंड करना चाहे अदरवाइज इवन यू सेंड मी ओके सूचना लेखन इज वेरी सिंपल ओनली 10 और 15 मिनट्स इन अप मैक्सिमम सो इवन यू सेंड ओके बच्चों हमारा कथा लेखन अनुच्छेद लेखन विज्ञापन लेखन देन नाउ नोटिस राइटिंग संवाद लेखन सूचना लेखन एवरीथिंग टाइम मिलते समय क्या है प्रैक्टिस करना चाहिए ओके हाँ यस और नो यस मैम ओके ठीक है बच्चों नेक्स्ट क्लास वी कैन मीट फिनिश करके मुझे सेंड करना चाहिए कथा लेखन ऑल्सो एडिटिंग गेट द होल फ्रॉम द होल चिल्ड्रन Okay, only 16 I got. Kadale can also send me plus this notice writing note. Okay. Mistake is no problem. Okay. See you all. Bye. Next class we can. Thank you. Dhanyavaad. Dhanyavaad.